Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing important points of poem written by Nazim Ezekiel, that is Goodbye Party to Miss Pushpa. Before beginning this lecture, I want to inform you that this video lecture is only for the candidates who are preparing for their UGC NET English Literature exams. And friends, in this lecture, I am only covering important points of this poem, that is Goodbye Party to Miss Pushpa. I am not going to give you summary because summary is not important for UGC NET point of view. Only the points which I am telling is important for you to know. Now let's proceed. In this poem, there is a occasion that Miss Pushpa is departing for foreign. कि इस poem में जो है Nazim Ezekiel बताते हैं कि Miss Pushpa एक वुमेन है, वो फॉरेन के लिए डिपार्ट कर रही हैं, यानी इंडिया से फॉरेन जा रही हैं. सो ये पोएम जो है एक तरह की उसे मिस पुष्पा को फेयरवेल देने के लिए लिखी गई है, कि मतलब वो जो है फॉरेन के लिए रवाना हो रही हैं. दिस पोएम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ फेयरवेल स्पीच, की उन्हें फेयरवेल देने के लिए लिखी गई है. इट इज़ अ सटायर ऑन द अर्बन पीपल. ये जो पोएम है ये एक तरह का सटायर है जो कि अर्बन पीपल यानी बॉम्बे में रहने वाले अर्बन पीपल लिविंग इन बॉम्बे एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन बाय देम. कि मतलब इस पोएम के थ्रू जो है Nazim Ezekiel इंडियंस जो कि बॉम्बे में रह रहे हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की वो किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं उस पर सटायर कर रहे हैं, यानी मॉक कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि किस तरह इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज को जो है बोल रहे हैं. इट इज़ अ सटायर ऑन द अर्बन पीपल लिविंग इन बॉम्बे एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन बाय देम. दिस पोएम इज़ अ सटायर ऑन द वे मोस्ट इंडियन स्पीक और राइट द इंग्लिश लैंग्वेज. कि Nazim Ezekiel हंस रहे हैं कि किस तरह से जो है इंडियंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं और साथ ही साथ लिखते हैं. उन मतलब वो जो है हाईलाइट करना चाहते हैं कि उनके बोलने में कितनी टेंसेज की प्रॉब्लम रहती है और साथ ही साथ लिखने में भी वो यही मिस्टेक करते हैं. एंड देन Nazim Ezekiel यूजिंग ह्यूमर. कि इस पोएम में जो है ह्यूमर का यूज़ कर रहे हैं, यानी हंस रहे हैं वो इंडियंस पर कि किस तरह से उनका बोल इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का तरीका है. Nazim Ezekiel यूजिंग ह्यूमर इन दिस पोएम एंड मॉक एट हाउ इंडियंस स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो हेयर विद दिस माई लेक्चर एंड्स. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस चैनल्स लेक्चर्स, प्लीज़ लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. थैंक यू फ्रेंड्स.